हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ्स क्लासेस का यह कहानी भविष्य में लगभग 150 साल निर्धारित है सत्रह मई एक सी एक सतावन को सटीक होना लेखक भविष्य में एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब हर बच्चे की अपनी मशीन शिक्षक और स्कूल होते हैं जैसे आज मौजूद नहीं है टेलीबुक है जिसमें शब्द स्क्रीन के पार चले जाते हैं यह देखते हुए कि यह कहानी उन्नीस में निजी कंप्यूटरों के आसपास होने से पहले लिखी गई थी यह आश्चर्यजनक है कि लेखक भविष्य की भविष्यवाणी कितनी अच्छी तरह करता है हम अभी इक्कीसो में नहीं रह रहे हैं लेकिन हमारे लिए हाथ में आने वाले उपकरणों पर डिजिटल किताबें पढ़ना पहले से ही संभव है शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में मैकेनिकल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा उस विशेष दिन में तेरह वर्षीय एक लड़का टॉमी अपने घर की अटारी में एक असली किताब पाता है पुस्तक जो वास्तव में पुरानी है को कागज पर मुद्रित किया गया है और इसके पृष्ठ पीले और बदबूदार हैं वह और उसका दोस्त ग्यारह वर्षीय मार्गी एक साथ पुस्तक पर एक नजर डालें मार्गी और टॉमी दोनों उस पुस्तक से चकित हैं जो उन पुस्तकों से अलग है जिनके वे आदि हैं पुस्तक में ऐसे शब्द हैं जो पृष्ठों पर तय किए गए हैं और स्क्रीन पर नहीं चलते हैं इन जैसी पुस्तकें अब मौजूद नहीं हैं मार्गी याद करती है कि उसके दादा ने एक बार उसे अपने दादा के समय में कागज पर छपी कहानियों के बारे में बताया था टॉमी पुस्तक को अव्यवहारिक मानते हैं क्योंकि उनकी टेलीबुक के विपरीत जिनकी एक लाख किताबें हैं और बहुत अधिक के लिए अच्छे हैं एक को पढ़ने के बाद पुस्तक को फेंक देना होगा टॉमी मार्गी को बताता है कि किताब स्कूल के बारे में है लेकिन मार्गी जो स्कूल से नफरत करती है और समझ नहीं पा रही है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखेगा निराश है उसे अपने मैकेनिकल शिक्षक से भूगोल सीखने में समस्या आ रही है यह मार्गी को सिखाता है उसे अभ्यास देता है और उसके सवाल पूछता है सभी अपने घर में एक विशेष कमरे में यह कुछ ही समय में निशान की गणना भी कर सकता है मार्गी उस स्लॉट से नफरत करती है जहां उसे अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालना होता है हाल ही में उसके स्कूल के लिए उसकी नापसंदगी तेज हो गई है क्योंकि उसके मैकेनिकल शिक्षक का भूगोल क्षेत्र खराबी है यह भूगोल में परीक्षण के बाद उसकी परीक्षा दे रहा है और वह और भी बुरा कर रही है उसकी मां ने मैकेनिकल इंस्पेक्टर को देखने और त्रुटि को सुधारने के लिए काउंटी निरीक्षक के लिए भेजा है इंस्पेक्टर मैकेनिकल शिक्षक को अलग ले जाता है और पाता है कि मार्गी अपने खराब प्रदर्शन के लिए गलत नहीं है शिक्षक का भूगोल क्षेत्र उस गति से तय किया गया है जो छोटी लड़की के लिए बहुत तेज है मार्गी उम्मीद कर रहा है कि वह यह नहीं जान पाएगी कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए लेकिन वह जानता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए और एक एक घंटे के बाद इंस्पेक्टर मार्गी के स्तर की गति निर्धारित कर सकता है यह मार्गी निराश करती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके शिक्षक को कुछ समय के लिए हटा दिया जाएगा और वह इतने सारे परीक्षण लेने की परेशानी से छुटकारा पा लेगी टॉमी जो किताब पढ़ रहा है मार्गी को बताता है कि किताब उनके तरह के स्कूल के बारे में नहीं है जिसमें टीवी के साथ मैकेनिकल शिक्षक हैं बल्कि यह सैकड़ों साल पहले स्कूलों के बारे में था जब छात्रों के पास एक शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति था लड़कियों और लड़कों को पढ़ाया उन्हें होमवर्क दिया और उनसे सवाल पूछे स्कूल एक विशेष इमारत थी जिसमें बच्चे गए थे और अगर वे एक ही उम्र के थे तो उन्होंने वही सीखा पहले तो मार्गी को समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है और छात्रों को एक ही चीज कैसे सिखाई जाती है क्योंकि उसकी मां कहती हैं कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए फिर भी वह इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहती है वे आधी किताब भी नहीं पढ़ते हैं जब मार्गी की मां उसे याद दिलाती है कि यह स्कूल का समय है हालांकि मार्गी का स्कूल रूम उनके बेडरूम के ठीक बगल में है उसे नियमित घंटों में अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि उसकी मां हर दिन निश्चित समय पर अध्ययन करना सही मानती है मार्गी अपने घर में स्कूल के कमरे में जाती है जहां यांत्रिक शिक्षक पहले से ही मौजूद है क्योंकि सबक हमेशा नियमित समय पर होते हैं जैसा कि मैकेनिकल शिक्षक उचित अंशों को जोड़ना सिखाता है पुराने समय में स्कूलों के काम के बारे में मार्गी अपने विचारों में खो जाता है हालांकि पहली बार मार्गी को इस धारणा के बारे में संदेह था कि कहानी के अंत तक वह मानती है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक साथ जाने का आनंद मिला होगा उन्हें एक ही स्कूल में जाने एक ही चीज का अध्ययन करने और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होने में मज़ा आया होगा